आउज़बल मिन शैन रज़ीम बसमलर रहीम सलामल आला बक़ैतल ला आज़म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फ़ॉर इंटरनेशनल टी वी करबला मुक़दसा से इस वक्त आप प्रोग्राम आरफ़त तआला अजल शरीफ मुलाजा फ़रमा रहे हैं विलादत बासादत हज़रत सलामुल्लाह अलैहा के आयाम है और उनवान से हम गुफ्तगू कर रहे थे तो आ, असल जो हमारी हमारा मौजू है वो ये है कि गैबत इमाम ज़माना अजल शरीफ़ में हमारी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को हमने ज़िक्र कर दिया किताबों में जो लिखी है उस पर हमने एक तस्करा किया लेकिन आज जो एक ज़िम्मेदारी देखें माशरा जो बनता है तो माशरा दो जिनसों से बनता है एक है जिनसे मुजक्र यानी मर्द हजरात और एक है जिनसे मानस यानी ख़वात बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियाँ हैं कि जो मर्दों के साथ साथ ख़ात के ऊपर भी ज़रूरी है और इसमें से कुछ ऐसी जिम्मेदारियाँ भी हैं कि जो सिर्फ और सिर्फ आ, खास है मर्द हजरात के साथ उसकी वजह यह है जैसे मिसाल के तौर पर अगर हज़रत इमाम ज़माना ताला अजल शरीफ इस वक्त ज़हूर फरमाए तो जो जिहाद है ज़ाहिर के इमाम के ज़हूर का एक बख्श और एक बौद और एक जिसको कहा जाए कि उसमें से एक चीज़ जो है वो ख़ुद जो हज़रत का एकदाम है जिहाद के लिए यानी हजरत जो है वो जहाद का हुक्म देंगे जो कि इमाम का इमाम के फरमान के मुताबिक जहाद होता है तो इसमें जो है जैसे जहाद है जहाद मतलब ख़वात से साकत है खातन जहाद नहीं करती मर्द के ऊपर यह खासा है जहाद करना यानी जहाद में सैफ मैदान में जहाद करना यह मर्द का काम है मिसाल के तौर पर या इस गब इमाम में जो जिम्मेदारियाँ हैं उसमें से बहुत सारी जिम्मेदारियाँ मर्दों की है बहुत सारी जिम्मेदारियां मर्दों की है उसमें से कुछ जिम्मेदारियां खीन की है यानी गोया ये कहा जा सकता है कि हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना है देखें इसमें से एक जिम्मेदारी जो कि अयाम वेलादत बासादत हजरत सिद्दीकतुलब्र सलाम उल्ला है तो अब वाले तारीख से लेकर मर्दों के लिए जो उसूब है और जो सरमश्क है जो नमूना है जो आइडियल है यकीन अहलवैत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि सल्हही या हज़रत आमिरमीनी अमीर अमीर या उनके अहब बाम रजवानल तजमाइन जो उनके हकी अब है वो यकीन हमारे लिए आइडियल है और ख़वान के लिए जो आइडियल है वो हज़रत उसमें से पहली शख्सियत हज़रत जहरा अलैहा और उसके बाद जो अहिल की खवीन हैं हज़रत शरीकतुल हुसैन सलाम अलैहा या हज़रत मासूम है कम सलाम और दीगर जो मुखदरात है ये सब जो है वो ख़्वीन के लिए आइडियल और नमूने हैं और इनके इनकी जो कनीज़ें हैं वो भी हमारे लिए आइडियल है यानी हमारे ख़ातिन के लिए वो आइडियल हज़रत फ़ा सलाम लिया या इस किस्म की जो भी खातिन का एक किरदार रहा करबला में या आ उसके बाद ये सब जो है वो आइडियल्स हैं हम लोगों के लिए तो आज चूँकि ये आयाम है और खुद हजरत सिद्दीक तुरकोबरा सलाम उनसे उनकी पैरवी करते हुए हमारे खवतिन के कुछ जिम्मेदारियाँ हैं कि जिनको उन्होंने निभाना है देखिए अगर सैदा की सीरत को आप देखें उनके जितने भी बच्चे हैं वो मासूम हैं हमारा अकीदा है और उसमें से दो इमाम है हज़रत इमाम हसन मुशतबा सलाम हज़रत इमाम हुसैन आसलम इमाम है अब इमाम जो है उसके बारे में भी हमारा अकीदा मुशत है मजहब शिया का के इमाम के लिए कोई सिन मुकर नहीं है ये नहीं कहा जा सकता कि इमाम जो है वो एक सिन के हद तक है यानी अगर ख़ुद हजरत रसाल सल्ला जिन्होंने चालीस साल के बाद ने नबूवत कर दिया तो हमारा अकीदा क्या है इस बारे में हमारा ये अकीदा है कि रसूल उस दौर में भी पैगम्बर अला थे कि जिस दौर में इंसानियत का वजूद नहीं था जब इंसान जो है वो पानी और गिल में इंसान को खमीर किया गया था उस दौर में भी हज़रत जो है वो पैगंबर एला ही थे लेकिन ये ऐलान कर दिया ये इसरार है, खुदा के इसरारों में से एक सिर है कि जहां रसूल्लाह ने ऐलान नबूवत चालीस साल के बाद कर दी तो इसमें यह है कि अगर हसन शरीफन सलामुल्लाह हम उनका भी यही है कि उनकी तरबियत करने की जरूरत नहीं है वो तो इमाम है इमाम चाहे कम एज में हो या ज्यादा मुफर्क नहीं है यानी खुद अगर आप सबको ये वाक्य याद होगा कि एक शख्स को जब वज़ू बता रहे थे गलत वज़ू कर रहा था एक शख्स बूढ़ा आदमी था गलत वज़ू कर रहा था इमाम हसन मुशतबा और इमाम हुसैन आसलम ने वज़ू किया और उनको कहा मुखातिब करके फरमाया कि क्या हमने वज़ू सही किया चूंकि असलाह उनकी करना चाह रहे थे तो शख्स भी जान गया कि ये मुझे बता रहे हैं ये इमाम है और इसी तरह से अबू हनीफा का वाक़ जो कि अबू बा, बाद रहलत हज़रत शहादत हजरत इमाम सदस्य वसलम ये शख्स जो है वारद हो जाता है इमाम उसे काजम्सम से मुलाकात होती है तो इनके कुछ सवालत होते हैं इमाम फरमाते हैं कि आप ये सवालत मुझसे कर लीजिएगा एक ये है और एक ख़ुद हज़रत ममसद्लम के ज़माने के ज़माने में भी कुछ इस तरीके से वाकयात मिलते हैं जो इमाम तकरीबन पाँच साल या सात साल या इससे कम ज़्यादा यानी नहायत ही जो कि बचपन का दौर होता है बच्चा क्या समझता है इलमी सवाल का अब हनीफा को हैरान और परेशान कर देते थे तो ये इमामत का मनशा है तो ज़ाहिर है कि इमाम हज़रत सैद जितने भी फर्जंदान हैं सब के सब मासूम है लेकिन एक तरीके से जो हमें बताने के लिए कि अगर आप तारीख को पढ़ें तो ख़ुद अपने बच्चों की जो हाँ हम लोगों को सिखाने के लिए जो तरीक़ा किया गया सब्र शुक्र उनकी तालीम देना ये सारा कुछ सैदा के ज़िंदगी में एक तरबियत औलाद है जो मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि उनकी तरबियत की ज़रूरत यक़ीन नहीं थी लेकिन मैं और आपके लिए एक मशले रहा है खातिन की जिम्मेदारी अपने बच्चों की तरबियत करना और हिजाब जो सैयद के मीरास में से है हिजाब का हिजाब की रियायत करना और ये 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 जितनी चीजें हैं ये सब के सब जरूरी है यानी अगर हमारे बच्चे हैं ये खातून की जिम्मेदारी होती है कि अगर बच्ची है खुर्तसाल है अभी उसकी एज इतनी नहीं हुई है कि वो जो है हिजाब उसके ऊपर वाजिब हो जाए लेकिन उसको आदत डालने के लिए उसको आदत डालने के लिए उसको हजाब में मलबूस कर देना और उसको हजाब की तरबियत करना यानी तरबियत जो है ये खुवा के ख़वान का खासा है और ये कर सकती है ये खुद इस किस्म के सीरत पर चलना गैबत इमाम में ख़ुद जहूर की तैयारी में से और उनकी आमादगी में से ये एक आमादगी है जो कि खातानी ये ये सब चीज़ें जो है वो ख़वान के लिए है अब यहाँ पर अगर हम इसके अलावा भी देखें तो ख़ी का एक एक अहम किरदार है उनका एक अहम किरदार है हमारे माशरे में इब्तदाई से ही आप ले लीजिएगा इब्तदाई तारीख़ इस्लाम से लेकर आज तक ये किरदार जो है खातन का रहा और हम लोग जो है वो आ, ये मुफाखिर से यह बात कर सकते हैं कि खातान को अगर अहमियत दी गई है तो वो इस्लाम ने दी है उससे पहले आप खातन के मनसब को आप देख लीजिएगा कि लोग जो है वो खातन के साथ क्या सलूक करते थे और आजकल के दौर में भी जो गैर मुस्लिम है वो खातन के साथ क्या क्या रवैया रखते हैं ये जाके आप देख लीजिएगा हता वो ममालिक जो अपने आप को बड़े आ, बड़े समझदार लोग कहते हैं वहाँ पर खातन की क्या है और किस चीज़ के लिए सिर्फ खातन को इस्तेमाल किया जाता है कुछ नहीं यहाँ पर जो इस्लाम है इस्लाम ने खातिन को इज्जत दी और ये उस इज्जत के हकदार थी जाहिर अशरफुलमखलूक इंसान है तो यहां पर अगर हम इब्तदाई तारीख से देखें सैदा हजरत सैदा खदीजा सलाम इस्लाम को इब्तदा में जो मालियात की जरूरत थी वो इस मुखदरा ने इस बीबी ने वो इस्लाम के लिए कर दिया एक दूसरी जो खातून है वो है हज़रत सिद्दी का तुलकब्र सलाम्ला सैद साम ने जिस तरीके से इस्लाम को जिसको हमने ये कह दिया भी चूँकि आया में इस्तेशाह थे शहादत के आयाम थे तो उसमें भी हमने ये इस तरफ इशारा कर दिया कि सैद सल्ला ने गोया हक और बातिल को जुदा कर दिया है हक और बातिल को यानी खुद इमामत की दिफा करना और उसके बाद जो है तालीमत इस्लामी को खातिन तक पहुँचाना ये सारा कुछ सैदल का ये, ये 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 शेवा रहा और उसके बाद हज़रत जैनब सलाम्ला क्या एहसानात है इस बीबी के इस्लाम पे वाकई करबला के बाद जो चीज़ें इस बीबी ने जिस तरीके से अपनी ज़िम्मेदारी पर जो अमल किया है वो लाजवाब है और ख़ुद करबला के अंदर बहुत सारे लोग ये सवाल शायद नहीं समझते होंगे कि करबला में एक खातून ऐसी भी है कि जो शुहदा करबला में से है और वो है आ, वो है हजरत उम व जो कि शुहद कारबला में अब्दुल्बन उमेर अलकल की जोजा है गौर फरमाए हमने ये कहा कि एक तो ये अहले अहलैत के अहले अहलैत के खानदान के हैं हजरत सैयद हजरत खदीजतुलकबरा सलाम्लह यह शख्सियात इसके अलावा हजरत उमब अब्दुल्ला अब नेमेर अलकवी की कोफा के रहने वाले और खुद इन्होंने क्या जिम्मेदारी दी कि सबसे ज्यादा ये अपने शोहर को जो कि एक बामारफत शख्सियत है बामारफत कैसे नहीं होंगे कि जो कोफा से निकलता है सिर्फ नुसरत इमाम हुसैन सलाम के लिए नुसरत हजरत सैद शहदालाम के लिए कोफा से निकलते हैं और उम वहब जो है वो इसके साथ निकलती हैं इसके इसरार पे हालांकि इनके शोहर ने ये भी कहा कि आप जो है वो मेरे साथ ना जाए लेकिन उसके बाद भी इन्होंने ये कहा कि नहीं मुझे आपके साथ जाना है करबला जब ये पहुंचते हैं तो आठ आठ मुहर्रम की रात को ये करबला पहुंचते हैं और हज़रत सैद शहदा के कारवान अलाही के साथ ये मुलहक हो जाते हैं अब इन्होंने ये किया कि ये बार बार इस चीज़ पर जो है ये इसरार फरमाया करती थी और अपने शोहर से भी यही कहती थी कि हमने अहल बैत का दफा करना है और आखिर में जाके करबला में खुद इनके शोहर की शहादत वाक्य होती है और ये जब वहाँ पर जाता है तो ये भी वहीं पर शहीद हो जाती है यानी एक ालम के जुल्म से ये भी शहीद हो जाती है यानी ये मकाम है कि जिनके इख्तियार में जो कुछ है उसको जो है वो अपने इमाम के लिए खुदा के लिए उसको सर्व कर देना इनके पास यही था सबसे बड़ा सरमाया कि इनका शौहर है और खुद ये दरेग नहीं फरमा रहे हालांकि ये खुद मैदान में गई है सैद सलाम ने इनको रोका कि आप न जाए ये मकाम है यानी यानी ईसार कुर्बानी इसको ये इसको कह सकते हैं और ये चीज जो है वो नुमाया है और इब्तदाई भी ऐसे ही हुआ आप जंग बदर के मौका पर देखी, यानी खुद खातन की शुजात भी है लेकिन जो इनसे शुजात जो कि जंग या इस किस्म की चीज़ें ये तो साकत है खातून से लेकिन खातून जो है वो अपने माशरे में अगर वाक दकीक है तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो खातन कर सकती है और उसमें अर्ज़ कर दिया कि खुद अपने बच्चों को हज़रत इमाम ज़माना अल्लाह ताला जल्ला शरीफ़ के ज़हूर के लिए आमादा करना ये खवातिन कर सकती है अगर वालदेन मखसूस खातून अगर मोमिना है तो इसमें कोई शक नहीं है कि उनके जो बच्चे होते हैं वो भी आपने गौर किया होगा कि वो भी बड़े सुधरे हुए बच्चे होते हैं बड़े समझदार होते हैं इसकी ये ये बरकत है उस मोमिन खातून की कि जो अपने बच्चों को की आमादी करते हैं और इसकी एक मिसाल मैं मजीद अर्ज कर दूँ हज़रत जैनब सलाम्लै मासूम है किस तरीके से अपने बच्चों को आमादा करती है ओन को महम्मत और वक्त की हजत हज़रत इमाम हुसैन आसमाम के राह में इन कुछ मैदान में भेज देती है हालाँकि खुरसाल है लेकिन उसके बावजूद भी जहाँ हम लोग जो है वो ये हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम किस तरीके से खुद ये खातिन जो है वह अपने बच्चों को इस तरीके से आमादा कर सकती है बच्चे जो है वो यही बच्चे कल को बड़े होके जहूर हजरत माम जमाना फरज़ाहु शरीफ़ में शिरकत फरमाएंगे यही लोग हैं तो इसमें एक खास किरदार है वालदा का यकीन के वालदा का हक हत वालिद से ज़्यादा है रवायात में और उसकी वजह भी यही है कि जो असल मुरबी है जो तरबियत करने वाली है वो माँ है तो लिहाजा हमें हमारे ख़ातन के लिए जो दिक्कत है वो इसमें मजीद बढ़ जाता है चूँकि घर में उन्होंने गोया कि यह कहा जा सकता है कि खुद लश्करियाने हज़रत इमाम ज़माना अजल तरजरीफ उसके हाथ में है किस कदर ज़रूरी है यानी उन ये ऐसे समझे ऐसे जिंदगी गुजारे जैसे ये बच्चे जो है वो हजरत इमाम जमाना अजल शरीफ के जहूर के लिए आमादा कर रहे हैं अगर ऐसा है तो इस खातून जो है ये खुद भी उस वजीफे के ऊपर अमल कर रही है कि जो गैबत इमाम में होना चाहिए गैबत के इस दौर में खुद अपने बच्चों को आमादा करना और ये समझना उसकी जो तरबियत कर रहे हैं इस नीयत से कर रहे हैं कि ये बच्चे कल को बड़े होके हज़रत इमाम जमान आम के नासिरीन और हज़रत इमाम ज़मान आल्लाम के लश्कर में शामिल होंगे इसके लिए जाहिर है कि हर एक शख़्स जो है वो ये लियाकत नहीं रखता होगा लेकिन अगर ये माँ समझदार है तो कल को चूँकि इब्तदाई उनके आयाम है और इब्तदाई आयाम में बच्चे इतने नहीं समझते लेकिन बाद में जो है ज़ाहिर है कि जितनी अकल इंसान की बढ़ती रहती है तो ये चीज़ें बड़ी असरगुजार होती है इंसान के ऊपर तो ये जिम्मेदारी जो है वो समझनी चाहिए ख़वातीन को कि ये किस इनके जो 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 इनके सरमश्क है जो नमूना है वो कौन सी बीबियाँ थी? हज़रत सिद्दीका तुल्कब्र सलाम उस में से सैर फिरस्त है और जैसे मैंने अर्ज़ कर दिया कि यह इब्तदाई इब्तदाए इस्लाम में अहले अहलवैतम्सम की खातिन और उसके बाद उसके बाद जो है जो उनकी कनीज़े हैं उन्होंने भी किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं किया हजरत खुदा की दिफा करने वाली तो हम लोगों की जो हम लोगों हम लोगों का माशरा है इस माशरे में हमारे दो किरदार है एक जो है वो मर्दों का किरदार और एक खुतिन का किरदार तो ख़ातिन का किरदार जो है और उनकी ज़िम्मेदारियाँ वो कुछ मर्दों से कम नहीं है वाक़ा कम नहीं है अवला तो ख़ुद अपने ज़ाहरी और अपने जाहिर के ऊपर दिक्कत करनी चाहिए कि खुदा न नख्वा कोई ऐसे ऐसे लिबास न पहने कि जो हजरत इमाम जवान के कल्ब नाजन के लिए अजियत का सबब बने ये बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी चीज़ है बाद लोगों ने यह कह दिया कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है दिल इंसान का पाक होना चाहिए जाहिर और बातिन जो है ना अगर आपस में फ़ासला रखती हो ना ये बड़ी मुश्किल ईजाद कर देती है मैं यहाँ पर एक बहुत कीमती एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ देखें इंसान की एक रूह है एक जसम है यहाँ मैं ये एक मिसाल कर रहा हूँ बात थोड़ी सी तकी है इंसान बस रूह उसका पाक रहता है जिसम जो है रूह के न चाहते हुए भी जिसम को देता है आजाब का सबब बनते हैं मसलन झूठ बोलना जबान उसके रूह के कंट्रोल में नहीं है जबान। और की अगर आपस में मुताबिकत हो जाए तो तब यह शख्स जो है वह इंसान कामिल बन सकता है और उसके बारे में आ, काफी सारी गुफ्तु हो चुकी है कि अगर इंसान जो है रूह और जिसम आपस में मुताबिक कर ले तो ये शख्स जो है वह अजीम शख्स बन जाता है रूह और जिसम का को ततबीक देना उनको आपस में मिला देना यह बहुत बड़ी बात है कि इंसान का जिसम भी वही कर रहा हो जो उसकी रूह चाहती है और इंसान रूह और जिसम एक हो रूह का हर मतलब एक शख्स उसका अकीदा भी सही है वो अहल बैत के हक को भी समझता है सारा कुछ करता है रूह के जरिए से वह सही है लेकिन जिसमी एतबार से जिसम उसका साथ नहीं देती चूंकि जिसम आप कैसे अंदाजा आपको होगा कि रूह और जिसम मेरा साथ नहीं दे रही कि इंसान जो है वह गुनाहों का मुरतकब हो रहा हो रूह अंदर से पशेमान है कि क्यों मैं ये कर रहा हूं लेकिन न चाहते हुए भी वो जो है वो गिरफ्तार है गुनाहों में आज तोबा भी कर लेता है रूह रूह के जरिए से तोबा भी कर लेता है लेकिन जिसम फिर भी साथ नहीं देता वही गलती वो कल भी दोहराता है जो आज दोहरा रहा है आज जो कर रहा है कल भी दोहराएगा तो ये आप समझ जाइएगा कि मेरे रूह और जिसम में मुताबिकत नहीं है इंसान कामिल वही बनता है जिसका जिसम और रूह बराबर हो इसी वजह से कहा कि शख्स जिसका जाहिर और बातिन जो है वो जाहिर और बातिन एक जैसा होना चाहिए यानी रूह और जिसम का आपस में तताबुक होना चाहिए यही चीज है खवातीन के लिए भी आप ये कहती हैं ये खातून जो है वो मसा अकीदे के एतबार से सही है लेकिन इसकी जाहिर जो है वो कुछ ख़राब है जाहिर खराब है तो बातिन बस ये समझ लीजिएगा कि ज़ाहिर और बातिन का आपस में तताबुक ता नहीं है बस एक खातून है नमाज भी और रोजा सारा कुछ लेकिन उसके बावजूद भी जो है ज़ाहिर उसका इस इस किस्म का है तो ये समझ जाना कि रूह और जिस्म ज़ाहिर और बातिन आपस में सेट नहीं हो पा रहे अगर सेट नहीं है तो अंदाजा लगा लीजिएगा कि यह शख्स जो है ये मोजाब है जिसको मुजहजब कहते हैं मोजहबजीन कुरान में भी लफजाए हुआ है इंसान जो है वो कभी कामयाब नहीं होता इंसान वही कामयाब होता है कि तताबों के रूह रूह और जिसम की आपस में ततबीक हो जाए एक हो जाए जो रूह चाहता है वही जिसम करे रूह चूंकि असल आमिर रूह है जिसम रूही ने तो सारा कुछ करना है रूह जब इंसान ये फोत हो जाता है ये बॉडी से रूह निकल जाती है तो इस बॉडी को फिर दफन ही करना होगा और तो कुछ भी नहीं बचेगा रूह है कि जिसने आगे भी जाना है आगे का रास्ता उसका बरज़ है जो इंसान के मनाजिल है और खुद योम आलस्त जिसको अलम जर भी कहते हैं फिर ये आते आते तीसरे बौद्ध यानी दुनिया में पहुंचा अब दुनिया के बाद जो है एक और बौद्ध है जो कि जिसको आप बरज़ कह सकते हैं उसके बाद फिर क्या है रूह ने जाके सफर करना है रूह दायम है जिसम तो बदलते रहते हैं यहां पर इस आलम नासूद दुनिया में यह जिसम दिया हुआ है जो ये खुद एक इम्तिहान है यह जिसम खुद हमारे लिए इम्तिहान है और आलम बरज़ख में हमारे जिसम और तरह के होंगे जिससे रिवायात में है कि वो भी जिसम होता है जिसमें लतीफ़ होता है तो हम लोगों को सबसे पहले अपने जाहिर और बातिन को आ, सही करना चाहिए और यही जिम्मेदारी ख़वातीन की भी है हजरत खुदा के जहूर के लिए कसरत से दुआ किया कीजिए और हम भी वही दुआ करते हैं अवाम अजल लेवली कल फ़रज